हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले तीन ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स हम देखने वाले KAS वर्सेस DUA की जो मैच है उसकी, शारजा रामदन T10 लीग की जो ये मैच है दोस्तों उस पर आपको क्लिक कर लेनी है। हाईलाइट करके मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई है तो आपको क्रिएट अ टीम पर क्लिक करनी होगी, लेकिन मैं ऑलरेडी तीन टीम यहाँ पे बना के रख चुका हूँ जिसे आपको एक एक करके एडिट करके मैं दिखाऊंगा किस किस को ले रहा है किसको नहीं लेना किसको नहीं लेना है, और आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों पिछले प्रेडिक्शन जाके देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जा रहे। कल की जो रात को जो मैच थी उसके भी काफ़ी बढ़िया प्रेडिक्शन गए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं माई टीम पर क्लिक करके, और पहली टीम को मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे दो दो ही मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के, लेकिन कीपिंग में अगर देखा जाए तो दो ही ऑप्शन है, लेकिन हम एफ खलील के साथ जाएंगे। इनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है सेकंड वाले कीपर से। बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे अच्छे ऑप्शन हैं हमारे पास। एस कल्याण को मैं ज़रूर लूँगा, फैयाज अहमद को लूँगा और जय खान को लूँगा। तो जय खान का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है तो इनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बाकी मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करूँगा अगली टीम में। अगर बात करें ऑलराउंडर्स की तो इस टीम में मैं सीधे चार ऑलराउंडर्स के साथ जा रहा हूँ। ए जावेद के साथ भी जा रहा हूँ, ए हमजा के साथ भी जा रहा हूँ, एस मोहम्मद के साथ भी जा रहा हूँ और एन हुसैन के भी साथ जा रहा हूँ। तो इस तरह से चार अच्छे खासे ऑलराउंडर है। हाँ परफॉर्मेंस कुछ का अच्छा है कुछ का खराब है, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं सभी को आप अपनी टीम में इस फर्स्ट टीम में ले लीजिएगा। इसके अलावा लाकरा अगर खेलते हैं तो इनको भी अपनी टीम में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। तो ऑलरेडी हम चार ऑलराउंडर ले चुके हैं, तो यहाँ पे इसके बाद गेंदबाजी में हमारे पास तीन ही ऑप्शन रहने वाले। वहाँ पर हमने एन खान को नहीं ड्रॉप करना है, उनको ज़रूर लेना है। ए शहजाद को भी ड्रॉप नहीं करना है, इनको भी ज़रूर ले लेना है। और एम नईम थ्री को मैं इस टीम में शामिल करूँगा। अगली टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके बाद हमें देख लेना है कैप्टन और वाइस कैप्टन हम कैसे बना सकते हैं। तो इस टीम के कप्तान मैंने सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंदी दी है ए हमजा को, तो उनको कप्तान बना रहा हूँ और ए जावेद को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। इसके बाद टीम प्रीव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं खलील एफ खलील को ले रहा हूँ कीपिंग में, इसके अलावा किसी और कीपर के साथ नहीं जाऊँगा। बैटिंग की बात करें तो जय खान है मेरे पास, एस कल्याण है और फैयाज अहमद है। इस तरह से तीन अच्छे खासे बैट्समैन से जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आप इन चारों तीनों को अपनी टीम में लेंगे तो फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर बात करें ऑलराउंडर की तो ए हमजा है, एन हुसैन है, एस मोहम्मद है और ए जावेद है। तो इस तरह से चार अच्छे खासे ऑलराउंडर को मैंने इस टीम में लिया है जो कि आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे फ़ायदा करा के दे सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो एन खान है, शहजाद है और एम नईम थ्री है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों मैंने कोई रिस्क नहीं लिए, फिर भी हमारी टीम काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतर बन चुके है। तो ऑफकोर्स आपको इस टीम को ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करना है, स्मॉल लीग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बार ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिए, फिर इसे चाहे आप स्मॉल लीग के लिए यूज़ करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस टीम के कप्तान और वाइस कैप्टन की बात करें तो हमजा को कप्तान बना रहा हूँ, 197 पॉइंट अभी ऑलरेडी दे चुके, यानी दो ही मैचेस में कमाल के इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग की है, तो इनको मैं कप्तान बनाने जा रहा हूँ। ए जावेद को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है ये भी, तो ज़रूर आप इनके साथ जा सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन, इनको चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया टीम बन चुके हैं, इस टीम को क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, और दूसरी टीम में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बनी है। दूसरी टीम की बात करें तो मैंने कीपिंग में यहाँ पे चेंज कर लिया है, ए अजीज को इस टीम में शामिल कर लिया है, पिछले टीम में दूसरे को लिया था। अब बात करते हैं बैटिंग की, तो यहाँ पे तीन बल्लेबाजों के साथ जा रहा हूँ। एस कल्याण को मैंने इस टीम में नहीं लिया है, फैयाज अहमद को ले रहा हूँ, जे खान को ले रहा हूँ और आर मैनेज को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो तीन ही ऑलराउंडर को ले रहा हूँ, ए जावेद को तो लूँगा ही, ए हमजा को भी लूँगा ही, और यहाँ पे एस मोहम्मद को इस टीम में शामिल कर लिया है। ये भी अच्छे खासे प्लेयर है, एक टीम में आप ज़रूर लीजिएगा इनको। ऑलरेडी हम पिछले भी टीम में ले चुके हैं, इस टीम में भी ले चुके हैं, तो इनको ज़रूर रखिएगा। अगली टीम में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस करूँगा। बैटिंग की बात करें, गेंदबाजी की बात करें तो माफ कीजिएगा बैटिंग की नहीं, गेंदबाजी की बात करें तो एन खान है, एम मुसद्दर को पिछले टीम में नहीं ले पाए थे उनको ले लिया है, ए शहजाद है और एम नईम थ्री को वापस लिया है। तो यहाँ पे मैंने पिछली टीम में चार ऑलराउंडर्स लिए थे, इस टीम में चार गेंदबाजों को चूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं या फिर अच्छे खासे अर्निंग तो पक्का कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन।
किसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हटके सोचा है, दो गेंदबाजों को कप्तान और वाइस कैप्टन बनाया, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। ए शहजाद को कप्तान और एन खान को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। फिर से टीम प्रिव्यू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कीपिंग से ही शुरुआत की है मैंने, चेंजेस कर दी कि ए अजीज को इस टीम में लिया है एज अ विकेट कीपर। उसके बाद मेरे पास जे खान है, फैयाज अहमद है, आर मैनेज है, और तीनों अच्छे खासे बैट्समैन को मैंने इस टीम में लिया है और काफ़ी ज़बरदस्त टीम बनने वाली है ये। उसके बाद ए हमजा है मेरे पास, अगर बात करें तो एस मोहम्मद है मेरे पास और ए जावेद भी है मेरे पास। तीन अच्छे खासे ऑलराउंडर है, तीन अच्छे खासे बैट्समैन है, एक कीपर हो चुका है। इसके बाद गेंदबाजी में मैंने इस बार ज़्यादा ऑप्शन चूज़ किए, चार गेंदबाजों के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि चारों ने बेस्ट अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ज़रूर आप इन चारों के साथ जा सकते हैं, इन चारों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। एन खान है, एम मुसद्दर है, ए शहजाद है और एम नईम थ्री है। तो इस तरह से ये टीम पिछली टीम से भी ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा बढ़िया बनी है। तो ऑफकोर्स इस टीम को सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करना है। अगर आप ग्रैंड लीग के यूज़ करने के बाद अगर स्मॉल लीग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप एक ही लीग लगाना चाहते हैं तो इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग लगाइएगा, स्मॉल लीग बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर बात करें बैटिंग कैप्टन और वाइस कैप्टन की, माफ़ कीजिएगा, तो दोनों गेंदबाज है ए शहजाद और एन खान, इन दोनों को कप्तान और वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी खासी विकेट इनको मिलती रहती है। तो ज़रूर आप इन दोनों को कप्तान और वाइस कैप्टन बनाएंगे तो काफ़ी फायदा हो सकता है, ग्रैंड लीग जीत सकते हैं आप, अच्छी खासी अर्निंग तो पक्का कर सकते हैं और स्मॉल लीग में भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह से टीम बनाई है जो कि काफ़ी बेहतर लग रही है और काफ़ी खतरनाक भी लग रही है। तो इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं, सेव कर लेते हैं और तीसरी और आखिरी टीम में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने बनाई है। तीसरी और आखिरी टीम में मैंने फिर से एफ खलील को लिया है कीपिंग में। अगर दो कीपर लेना चाहूँ तो आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि दो कीपर लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। बैटिंग की बात करें तो इस बार पांच बल्लेबाजों को ले रहा हूँ, एस कल्याण को ले रहा हूँ, सी राणे को इस टीम में ले रहा हूँ, पिछले टीम में नहीं ले रहा पाया था, दोनों टीमों में फैयाज अहमद को वापस रहने दूंगा, जे खान को भी रहने दूंगा और पाँचवें आर मैनेज को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ। एस कल्याण और इनको दोनों को एक टीम में अभी तक साथ में नहीं लिया था। इसके बाद ऑलराउंडर में दो ही ऑलराउंडर हम ले सकते हैं, जावेद को मैंने ले लिया ए जावेद, और इसके अलावा हमजा को तो हम नहीं छोड़ सकते, काफ़ी रिस्की साबित होगा इनको छोड़ना। गेंदबाजी की बात करें तो एन खान को लिया है, मुसद्दर को भी ले लिया है और तीसरे ए शहजाद को भी लिया है। तो इस तरह से ये तीन गेंदबाज एक साथ अभी तक दोनों टीमों में नहीं आ पाए थे। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर से कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लेना है। तो इस टीम का कप्तान और वाइस कैप्टन मैंने थोड़ा हटके सोचा है, यहाँ पे देख सकते हैं इन खान को पिछली टीम में वाइस कैप्टन बनाया था, इनको कप्तान बनाने जा रहा हूँ और जे खान को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। फिर से टीम प्रीव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले कीपिंग की बात करें तो एफ खलील मेरे पास है। बैटिंग में मैंने इस बार पांच बैट्समैन को लिया है, एस कल्याण, फैयाज अहमद, जे खान, आर मैनेज और सी राणे। तो इस तरह से अच्छे खासे कीपर और अच्छे खासे पांच बल्लेबाज हमने लिए जो कि काफ़ी फ़ायदा आपको करा के दे सकते हैं। अगर बात करें ऑलराउंडर्स की तो दो ही ऑलराउंडर मैं ले पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पांच बल्लेबाजों को अपनी टीम में शामिल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ए हमजा और ए जावेद, इस तरह से दो ही ऑलराउंडर मैं इस टीम में लूँगा। गेंदबाजी की बात करें तो एम मुसद्दर है, एन खान है, ए शहजाद है। तो इस तरह से तीन अच्छे खासे गेंदबाज है जो कि आपको अच्छे खासे अर्निंग करा के दे सकते हैं, अच्छी खासी ग्रैंड लीग या जिता सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग करा के दे सकते हैं। कप्तान और वाइस कैप्टन की बात करें तो एक गेंदबाज है एन खान, इनको कप्तान बना रहा हूँ, काफ़ी अच्छे विकेट निकालते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो इनको कप्तान बनाने का काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। और जे खान को इस टीम का वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, ये भी अच्छे बैट्समैन है, परफॉर्मेंस भी इनका ठीक ठाक रहा है, इतना बुरा नहीं रहा है, तो ज़रूर आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह दोस्तों, इन दोनों पर काफ़ी कम लोगों का ध्यान गया है एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम इनको बनाते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन और ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा हमें होने वाला है दोस्तों। हम इनकी वजह से ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग तो पक्का कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह से थोड़ा हटके मैंने कप्तान और वाइस कैप्टन बनाया जो हमारे ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले। तो काफ़ी बढ़िया टीम बन चुकी है दोस्तों, पिछली दोनों टीमों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस टीम को भी आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करना है, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। फिर भी अगर आप एक ग्रैंड लीग लगाने के बाद अगर स्मॉल लीग लगाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा सकते, लेकिन अगर आप एक ही लीग लगाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग लगाइएगा, स्मॉल लीग मत लगाइएगा, क्योंकि काफ़ी बढ़िया टीम है और काफ़ी अच्छी खतरनाक टीम है जो कि आपको अच्छी खासी अर्निंग करा के दे सकती है या अच्छी खासी
ग्रैंड लीग भी जिता के दे सकते हैं। इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं, सेव कर लेते हैं। और आखिर में यही कहूंगा दोस्तों कि इन तीनों टीमों में अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर आपको लगता है कैप्टन और वाइस कैप्टन सही नहीं, तो आप जरूर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चेंजेस मत कीजिएगा, एक दो चेंजेस ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो रिस्की साबित नहीं होगा। अगर ज़्यादा करते तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। जैसे कि लाकरा अगर खेलते तो उनको अपनी टीम में ज़रूर लीजिएगा, और अगर मुमताज लेना चाहे तो मुमताज को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी तीनों टीमें और मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को भी अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचते रहे। साथ ही साथ अपने टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि कुछ भी चेंजेस रहते हैं तो किसे ड्रॉप किया गया और उसकी जगह पे आप किसको ले सकते हैं ये बातें, और कोर मैच के बारे में भी कुछ अपडेट रहते हैं तो उसके बारे में भी आपको बता सकूँ कि क्या अपडेट है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।